और एग्जामिनर चालाक है, आप ये मान के रहिए। मान लेते हैं ओल्ड रेशो हमारा है 1:1, ओल्ड रेशो, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। और ओल्ड कौन कौन है, ए और बी। न्यू पार्टनर आया 1/5 के लिए, सी आया 1/5 के लिए। कोई बच्चा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता सकता है? कोई बच्चा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता सकता है? यहां पे कोई बच्चा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए। चलिए छोड़िए, निकाल लेते हैं, आप नहीं बता पा रहे हो तो लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू वन, रिमेनिंग 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 1 - 1/5 यानी 4/5 ए का शेयर, 4/5 इंटू में 1/2 यानी 4/10। या एक काम करते हैं, चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। बी का शेयर 4/5 इंटू में 1/2 यानी 4/10। न्यू रेशियो ए बी एंड सी 4/10:2, 4/10:2 1/5 इंटू में 2 इंटू में 2, ये आ गया 4, ये आ गया 4, फोर इज टू 4:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए आप। अब ध्यान देना, मेन पॉइंट मैं यहां बताने वाला हूं, ऐसा क्यों हुआ था। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये 2:1 के क्या निकाल दिया, 1:1 होगा। अच्छा, 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताया, ओके। अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पॉइंट क्या था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा ओल्ड रेशियो, तो मैं ए का पहले निकाल लूं और फिर मैं बी का निकाल लूंगा। ए का जो निकलेगा वो होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा। ओल्ड रेशियो क्या है, 1/2। न्यू रेशियो क्या है हमारा, यहां पे 4/10 है तो 4/10। सेम ऐसे बी का निकाल लूंगा, 1/2 माइनस में 4/10। तो सॉल्व जब हम इसे करेंगे तो 10 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 20 यानी 6/20। जब इसको करेंगे हम तो 10 माइनस में 8 आएगा, ये 4 × 8 2/20। इसको करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 20 यानी 2/20। आंसर आ गया 2/20:2 2/20। तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है क्या निकाला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ क्या आया। काट के नहीं बताना आपने, जो यहां लिखा है वही बताना है जी, काट के नहीं बताना आपने, आप काट देते हो। स्क्रीन पूरी नहीं है? अरे हाँ भाई, पहले स्क्रीन पूरी नहीं थी, अब मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपको दिख जाओ। ये लो स्क्रीन पूरी कर देते हैं, ये लो जी स्क्रीन पूरी, डन। ओके, आप मुझे बस ये बताएं कि मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, काट के नहीं बताना, सेक्रीफाइसिंग रेशो बताइए, यहीं पे ट्रिक है। ये लो सामने निकाल भी दिया फिर भी नहीं बता रही है सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपके 10 दिन बाद एग्जाम है, 10-15 दिन बाद। वन इज टू वन मैंने अभी बताया कि भाई काट के नहीं बताना, आपने 1:1 फिर काट के बता दिया। अजय का जवाब ठीक है, 2:2 2:2, तो आपने बताया सर 2:2 है, काट के नहीं बताना, वही चीज तो मैं समझाना चाहता हूं, काट के तो मैं भी बता देता। 2:2 2:2 2:2 2:2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, आपने पता है पहले क्या किया था, आपने पहले क्या होगा सर, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, और यही सेक्रीफाइसिंग ले लू मैं तो 2:2 में आपने 2/4 ले लिया। ओल्ड रेशियो क्या था, 1/2 माइनस न्यू रेशियो, यही किया था हमने। अब देखो ये 2/4 है ना, तो एक्चुअल में 2/4 थोड़ी है, ये 2/20 लेना चाहिए, क्योंकि आपका इक्वेशन ये होना चाहिए। इक्वेशन में क्या होना चाहिए,
इक्वेशन में होना चाहिए हमारा 2/20 इज इक्वल टू 1/2 माइनस में न्यू रेशियो क्या था 2/4/10 4/10 ये इक्वेशन था। जब आपने इस पॉइंट को सॉल्व किया, देखिए ये वाला पॉइंट है ना, जब आपने इस पॉइंट को सॉल्व किया तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आया, ये रिजल्ट क्या निकल के आया, ये जब आपका 2/20 रिजल्ट निकल के आया है तो अगर यहां पे आप 2/4 और ये इक्वेशन रखेंगे तो गलत ही आएगा जवाब, तो आपका जो आप कर रहे थे बार बार उससे तो गलत ही आएगा ना आपका जवाब। समझे मेरी बात को, मेरी बात को समझे, उधर का नहीं दिख रहा। अच्छा ये लो भाई, मैं आपको सारा ही बोर्ड ही दिखा देता हूं, ये लो मैंने तो उधर पहले कर दिया था। चलो मैं पूरा ही बोर्ड दिखाता हूं, आप पहले एक बार आप देख लें, सब कुछ दिख रहा है अब। चलिए सब कुछ दिख रहा है अब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे बताइए, लॉजिकली सोचिए, मैं यहां क्या, मैं इस इक्वेशन से एक इक्वेशन को रख के आपका रिजल्ट पता है कैसे आया, आपका रिजल्ट आया है ये इक्वेशन रखने की वजह से, रिजल्ट आया है आपका ये इक्वेशन की वजह से, है कि नहीं। 2/20 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, यही तो करा है आपने, यहां से a का निकाला, a का निकाला 2/20, तो इसके इक्वल ही तो रखा है, यहां पे 2/20 है ना। लेकिन अगर हम यहां पे 2/4 करेंगे तो कैसे जवाब मिलेगा, मिल ही नहीं सकता कभी जवाब। तो हमें ये चेक करना होता है कि भाई इसके अंदर ना, इस वाले पॉइंट के अंदर ना, जो कि हमारा ये रेशियो है, इसमें न्यू रेशियो जो है मिसिंग है कुछ ऐसा पॉइंट है, न्यू रेशियो का हिस्सा मिसिंग है। यहां पे न्यू रेशो का हिस्सा कितना है, 5 है, तो मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, और मैं तो कहता हूं 1/5 करिए आप इसे। अब देखिए क्या ये बन गया 2/20, अब रेशो बन गया आपका न्यू रेशो, अब एक्चुअल रेशो रिजल्ट निकल के आया। तो वही मैंने लास्ट वाले क्वेश्चंस में किया था कि मैंने सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। बताओ लॉजिकली समझ में आया या नहीं आया, लॉजिकली समझ में आया या नहीं आया बताइए।